आज हम जानेंगे नॉर्थ ईस्ट की एक खूबसूरत राज्य के बारे में, तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे असम के बारे में। उत्तर पूर्वी राज्य असम, असम का अपना एक राज्य गान भी है जिसके बोल हैं ओ मोर अपोनार देश। इसके अलावा भी देश की सीमा पर बसे इस राज्य की कई खासियतें हैं। नंबर एक, असम की ब्रह्मपुत्र नदी को दुनिया की सबसे खूबसूरत नदियों में शामिल किया जाता है। ये तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। तिब्बत में इसे यरलुंग संगपो कहते हैं, जो असम में आकर ब्रह्मपुत्र हो जाती है और बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। असम में कहीं कहीं तो इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर तक है। ब्रह्मपुत्र का ऊपरी मार्ग 18वीं शताब्दी में ही खोज लिया गया था, लेकिन बाकी हिस्सों के बारे में 19 सदी में जानकारी लगी। नंबर दो, यहाँ के माजुली द्वीप को दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। डिब्रूगढ़ तथा लखीमपुर जिले के बीच नदी दो शाखाओं में बंट जाती है और आगे मिलकर माजुली द्वीप बनाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजे मिफिट मिल्स के सर्वेक्षण अनुसार साल 1853 में इसका क्षेत्रफल 1246 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन अब ये तेजी से सिकुड़ रहा है। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर तीन, एक सवाल जनरल नॉलेज के दौरान शायद लगभग सभी ने पढ़ा हो, जो असम के बारे में है। यहाँ देश का पहला तेल भंडार मिला था, जो डिगबोई में है। 19वीं सदी के आखिर में यहाँ तेल के भंडार का पता लगा था और साल 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी शुरू हुई। इस इलाके को तेल की नगरी के तौर पर भी जाना जाता है। नंबर चार, असम देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, जहाँ 800 से अधिक चाय बागान और 6000 से ज्यादा छोटे बागान हैं। इनसे सीधे सीधे 20 लाख से भी ज्यादा लोगों को सीधा रोजगार मिलता है। समिया चाय अधिकतर ब्रह्मपुत्र घाटी में उगाई जाती है। घाटी के मध्य में स्थित जोरहाट को विश्व की चाय की राजधानी भी कहा जाता है। नंबर पांच, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य यूनेस्को की वैश्विक धरोहर लिस्ट में है। गोलाघाट और नागांव जिले में फैला काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडों का घर है। इसके अलावा बाघों और पक्षियों के लिए भी ये काफी सुरक्षित जगह है। हालांकि हर साल असम में आने वाली बाढ़ के कारण नेशनल पार्क का बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाता है और पशुओं की जान जाती है। अब इसे लेकर अधिकारी काफी सचेत हैं और कई नए कदम लिए गए हैं। नंबर छह, देश के दूसरे राज्यों के अलग असम का अपना अलग राज्य गान है, ओ मोर अपनार देश। इस गाने के बोल हैं, जिसे साल 2013 में ही राज्य गान बनाया गया। इस राज्य गान को लक्ष्मीकांत बेजबरुआ ने रचा था। नंबर सात, वैसे तो असम राज्य के बारे में कोई भी बात करते ही बहुतेरे लोग गुवाहाटी की बात करने लगते हैं और शायद कहीं कहीं ये भी सोच हो कि यही क्षेत्र असम की राजधानी है, लेकिन नहीं, असम की राजधानी दिसपुर है, जो कामरूप में स्थित है। वहीं गुवाहाटी राज्य का सबसे बड़ा नगर है। मजे की बात यह है कि गुवाहाटी में ही अधिकतर सरकारी कामकाज होते हैं। नंबर आठ, असम की चाय के अलावा यहाँ का सिल्क भी मशहूर है। जी हाँ, यहाँ गोल्डन मूगा और पाट सिल्क की मांग देश के अलावा विदेशों में भी है। सुआलकुची को असम का सिल्क केंद्र माना जाता है, जो कामरूप जिले का एक शहर है। ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर बसा ये नगर सिल्क की कई किस्में प्रोड्यूस करता है। नंबर नौ, असम में जहाँ बड़ा अभयारण्य है, वहीं यहाँ पर एक अजीबोगरीब ट्रेंड देखा गया, वो भी पक्षियों के बीच। दरअसल असम के जातिंगा नामक स्थान को रहस्यमयी कहा जाता है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यहाँ कोई पारलौकिक ताकत रहती है। इस यकीन की वजह ये है कि यहाँ हर साल सैकड़ों की संख्या में पक्षी आते हैं और किसी इमारत आदि से टकरा कर मर जाते हैं। ऐसा हर साल होता है, जबकि पक्षियों के मामले में ये सामान्य बात नहीं है।